इंडिया का नॉर्थ ईस्ट। इस जगह पर आपको मिलेगा पहाड़, बहुत सारे झरने, नेचुरल केव्स, विच इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर एक्सपीडिशन। यहाँ का लोकल कल्चर विल फैसिनेट यू कम्प्लीटली। द मोस्ट फेमस वन हॉर्न राइनोसोरस इज ऑल्सो फाउंड हियर। कामाख्या टेम्पल भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। तो चलो, एक एक करके नॉर्थ ईस्ट के हर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए बने रहिए और शुरू करते हैं विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ नॉर्थ ईस्ट टूर। अभी हम लोग पहुंच गए हैं हावड़ा स्टेशन और ये है पार्किंग एरिया जस्ट इन फ्रंट ऑफ हावड़ा स्टेशन। ये है हावड़ा स्टेशन का टिकट काउंटर और यहाँ पर आ चुका है हमारा ट्रेन सराइघाट एक्सप्रेस। हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एसी टू टायर में, सो चलो चलते हैं अंदर। सो पहुंच गए हैं हावड़ा स्टेशन में, अभी बज रहे हैं 3:30 और ट्रेन यहां से जाने का टाइम है 3:55 को और अंदर अभी एसी बंद है। तो ये है एसी टू टायर का इंटीरियर और यहां पर है टू सीट्स। यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है बेसिन, टैप, एक मिरर, साइड में है डस्टबिन और अभी देख लेंगे वॉशरूम को कितना क्लीन है। हाँ, वॉशरूम क्लीन है। यहाँ पर भी बेसिन है, टैप है, मिरर है, हैंड क्लीनर है। यह है इंडियन स्टाइल वाला टॉयलेट। तो चलो देखते हैं साइड वाला। साइड वाला भी पूरा सेम है और ये भी इंडियन स्टाइल टॉयलेट है। So now it's time to say goodbye to Hawra station as we are leaving. धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी और अंधेरा छाने लगा। हमने ट्रेन के पैंटी कार्ट से लिया गर्मा गर्म मिल्क टी। रिफ्रेशिंग चाय के साथ अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन, लेकिन ये हमने घर से लाया था, ट्रेन से नहीं परचेज किया। तो यहाँ पर आ गया है हमारा ट्रेन का पहला हॉल्ट बर्धमान जंक्शन एंड करेंटली वी आर रनिंग अ बिट लेट। पैंटी कार्ट से हमेशा ही कोई ना कोई खाना बेचने के लिए आ रहा था। बाहर एकदम से अंधेरा हो चुका है इसलिए मैं आप लोगों को और कोई व्यू नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जब भी कोई स्टेशन आएगा जरूर दिखाऊंगा। और ये हम पहुंच गए बोलपुर में। अभी तक तो टेम्परेचर ठीक ठाक ही था, लेकिन अचानक टेम्परेचर कम हो जाने के वजह से कंपार्टमेंट के सभी ने और मैंने जैकेट पहन लिया है। तो पहुंच गया है रामपुर हाट जंक्शन और करेंटली हमारा ट्रेन 21 मिनट से डिले है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मालदा स्टेशन
लेकिन स्टेशन का व्यू ठीक से नहीं आ रहा क्योंकि सामने एक और ट्रेन खड़ा है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर एंड वन थिंग वी हैव परचेज दिस डिनर फ्रॉम आउटसाइड। मेरा डिनर फिनिश हो चुका है एंड वी हैव ऑल्सो क्रॉस्ड मालदा स्टेशन एंड नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ स्लीप क्योंकि कल बहुत सारा जर्नी है और मैं शायद आप लोगों को और स्टेशंस नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जब भी मेरा नींद टूटेगा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अचानक नींद टूट गई, अभी बज रहे हैं 3:42 और हम लोग पहुँच गए हैं न्यू कूच बिहार में। तो ये है न्यू कूच बिहार स्टेशन का नाइट व्यू और यहाँ पर हम लोग के अलावा और कोई नहीं है। हम लोग फिलहाल निकले हैं थोड़ा वॉक करने के लिए, अंदर कंपार्टमेंट एकदम चिल हो गया है एसी की वजह से। सो पहुंच गए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर आखिरी स्टेशन न्यू अलीपुर दुआर में एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय वेस्ट बंगाल, सी यू अगेन। धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगा और रोशनी छाने लगी। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं असम स्टेट के पहले स्टेशन में। सुबह सुबह मॉर्निंग टी इज मस्ट। इट्स गुड टू सी कि ट्रेन का सफाई भी ठीक तरह से हो रहा था। अचानक वी वर सराउंडेड बाई फॉग अगेन विच प्रूव्स दैट वी आर गोइंग ऑन अ हायर ऑल्टीट्यूड। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं न्यू कामाख्या जंक्शन में। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारा आज का डेस्टिनेशन गुवाहाटी में। पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन गुवाहाटी में और यहाँ से हम मूव ऑन करेंगे शिलोंग में। ट्रेन में आते आते सुना कि शिलोंग में 4 दिनों से बर्फ़ गिर रहा है, सो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है वो टू। सो वो आपको दिखने को मिलेगा अगले ब्लॉग में। सो तब के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और स्टे ट्यून्ड, और अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।